नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारत चाइना के बीच जो माहौल बना उससे पाकिस्तान के गटर में बैठे मेंढकों की टटराट उफान पर है। आइए मिलते हैं ऐसे ही एक मेंढक से। इस पपलू को जावेद मियादाद कहते हैं। देखते हैं भारत और चीन पर इसका क्या नजरिया है। और खबर ब्रेक करूं, 35 किलोमीटर इंडियन आर्मी की सोर्सेज के मुताबिक 35 किलोमीटर भारतीय सरजमीन पे चाइना का कब्जा हो चुका है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। कब्जा मुकम्मल, वो अपना झंडा आगे लगा चुके हैं जाके। जावेद मियादाद साहब से जरा बात करें टेलीफोन लाइन पे। जावेद भाई सलाम अलैकुम। शाहिद भाई, आपने तो शाहजहा का छक्का मार दिया, मेरी जगह आपने शाहजहा का छक्का मार दिया। जबरदस्त करते हैं हम बस। अच्छा नहीं, अच्छा जावेद भाई ये जबरदस्त, अच्छा नहीं तो मैंने जबरदस्त कर दिया या आपने करना है अभी? नहीं, मैं तो कर ही दिया, मैंने तो आज तो आपने अपने प्रोग्राम में मेरा भी छक्का मार दिया। अच्छा, और अब जबरदस्त करते हैं बस मेरी तरफ से। अच्छा जावेद भाई मुझे बताएं, ये क्या सूरत हाल क्या है? वो चाइना के साथ जो है वो अमेरिका उनकी मदद पे नहीं आ रहा, वो मोदी जो है वो सारे अपने डिपेंड कर रहे थे कि चाइना मदद के लिए आ जाएगा। अब आपसे इत्तेफाकन बात हो गई, आप तो देखते रहे इंडिया में बड़े पॉपुलर हैं, क्या क्या मतलब क्या किया जाए, जबरदस्त कर दिया जाए आप कहते हैं? आप जबरदस्त कर दिया क्या, और जो इनके जो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना चकरा गए, पागल हो गए। अच्छा। उनको समझ नहीं आ रही कि मैं अब किस तरह अपना ऊंट बिठाऊं, क्योंकि वो फंस चुके हैं। वो बताएं आप चाइना से पंगा ले रहे हैं। अबे भाई तुम हो क्या गया? मैं इंडियन आवाम अगर मुझे सुन रही है तो इंडिया के लोगों को मैं कहता हूं, भाई देखो आप पड़ोसी हो, खुदा के वास्ते ये मोदी तुम्हें मरवा देगा, इसको हटाओ। इसने हिंदू मुस्लिम फसाद कराए, फिर दूसरी चीजें कराई, फिर तीसरी चीजें कराई। अब ये समझते हैं कि हम लोग ऐसे बैठे हुए कि हमने तो वो जो हमारा हितम्बा मुंडे जैसे खिलौना रखा है, हम तो मौका भी नहीं देंगे। मैं अगर हूं तो मैं तो पहले ही जब खुद ही खत्म हो जाएंगे, ये करेंगे क्या बाद में, ये पागल हो गया। अच्छा तो ऐसे देखिए, मुंह में दांत नहीं पेट में आत नहीं, पर इनकी जो बात है उसे कहने की इनकी औकात नहीं। कहने को तो ये इमरान के तबेले की वे भैंसे हैं जिनका चारा ईद पर जकात मांगने से इकट्ठा होता है, मगर यह दूध देने के बजाय गोबर ज्यादा करती है, जिससे केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया उस गोबर से बदबू में हो रही है। इन्हें शायद इतिहास मालूम नहीं है, चीन भारत के बीच 1962 के बाद 1967 में दो बार और 1987 में तुआंग में एक बार जंग की ही ऐसी नौबत आई है। 1967 में नाथुला से सैबुला के बीच तार बिछाने पर हुए विवाद में चीन ने 70 भारतीय जवानों को शहीद किया था। उसके बाद भारत ने 400 से ज्यादा चीनी सैनिक के रक्त से अपनी प्यास बुझाई थी। इस पपलू को यह भी मालूम नहीं होगा कि 1948 से लेकर 1965, 1971 और 1999 में भारत जवानों ने पाकिस्तान को धूल चटाई है। 1971 में 93,000 पाक मुल्लाओं से छावनी की भैंसों का गोबर उठवाकर एक इतिहास रचा था, पर उसके बावजूद भी पाकिस्तानी फौज 200 ग्राम पीतल लटकाए घूमती है। कभी उनसे जरूर पूछना कि भारत के टॉयलेट साफ करने वाली फौज ने पाकिस्तान के लिए कितनी जंगें जीती हैं। इन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि फरवरी 2019 में भारत के एक पायलट को यह 48 घंटे भी पाकिस्तान में नहीं रख सके थे। इमरान बाजवा से जरूर पूछना कि उनकी तस्वीर पर वो कौन सा कैक्टस था जो इतनी हड़बड़ी में भारत के पायलट को वापस कर दिया गया। यह भारत की ताकत है, चाइना हो या पाकिस्तान या फिर म्यांमार, भारतीय फौज पूरी तरह प्रोफेशनल सेना है जो घर में घुसकर मारती ही नहीं बल्कि अपने शौर्य के निशान भी छोड़कर आती है। पाकिस्तान चाइना के कर्ज पर पलता है, इसलिए उसकी तरफदारी और प्रशंसा करना उसकी मजबूरी है, परंतु भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है। यहां भीख मांगकर देश नहीं चलाया जाता, आंख से आंख मिलाकर बात होती है। किसी पर थूकने से ज्यादा उसे ठोकने पर यकीन रखते हैं। 2017 में चाइना उसका नतीजा डोकलाम में देख चुका है, परंतु यही पाकिस्तान जिसे एक छोटा सा अफगानिस्तान और ईरान इसी की फौज को इसी की धरती पर ठोक देता है। शोर तब भी यही होता है पाक एटमी ताकत है, परंतु हकीकत यही है कि पाक एटमी नहीं एनिमी कीड़ा है, जिसमें पाक मुल्लाओं की तो बजी रही है, साथ में बिना दांत और आंत वाले जो बकलोल उसने बिठाए हैं उनकी भी फट रही है, और यह तब तक फटती रहेगी जब तक पीओके इनके पास है। जिस दिन यह भारत में आएगा फिर तबेलों में बंदी भैंसे शायद गोबर कम दूध कुछ ज्यादा दे सकती है।
इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।